डॉक्टर तनु जैन को शायद आप जानते होंगे। वैसे तो वो यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी, स्मार्टनेस और क्यूट लुक के वजह से यूपीएससी एस्पायरेंट्स में काफी मशहूर हो चुकी हैं। वो खुद एक आईएएस थे, लेकिन ज्यादा दिन नौकरी नहीं की। आइए आज हम उनके लाइफ स्ट्रगल, पैशन और काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं। तनु जैन की जन्म तिथि 16 जुलाई 1986 है। उन्होंने दिल्ली से स्कूलिंग की और उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज से वो डेंटिस्ट बने। दंत चिकित्सा के स्टडी के समय डॉक्टर तनु को यूपीएससी परीक्षा के विषय में पता चला। घर जाकर उस परीक्षा के बारे में माँ को बताने के लिए वो बाजार से यूपीएससी संबंधित 3-4 पुस्तकें खरीद कर लाते हैं। 2 महीनों में तैयारी करके तनु यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम में पास हो जाते हैं। एक साक्षात्कार में तनु बताते हैं, 2 महीनों में अध्ययन करके प्रथम चरण में उत्तीर्ण होने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में वो सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी बार फिर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तनु। इस बार पहले 2 चरणों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया में वो फेल हो जाती है। दूसरी बार भी असफल होने के बाद डॉक्टर तनु अपनी कमजोरियों को खोजने का प्रयास किया। उस समय वत्सल्य पंडित के साथ तनु की बातचीत होती है। दोनों ने मिलकर परीक्षा की तैयारी शुरू की। 2014 में तीसरी बार उन्होंने यूपीएससी परीक्षा दी। तीसरी बार अच्छे अंकों के साथ उन्होंने पास किया। उनका नाम 648 नंबर पर आया। यूपीएससी परीक्षा में पास होकर आईएएस पद पर नौकरी करनी शुरू करी डॉक्टर तनु जैन ने। वत्सल्य भी परीक्षा में पास हुए। नौकरी पाने के बाद दोनों ने अपने प्यार को शादी से मान्यता दी। 7.5 साल नौकरी करने के बाद डॉक्टर तनु जैन ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्यों? हाल ही में एक साक्षात्कार में तनु ने बताया कि उन्हें यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते समय बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ा। जिन छात्र छात्राओं की परीक्षा की तैयारी हो रही है उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है उन्हें समझ में आता है। साक्षात्कार में तनु ने कहा, नौकरी तो बहुत कर ली, इस 7.5 साल काफी मेहनत भी करी, लेकिन अभी उसी एस्पिरेंट्स को मैं हेल्प करना चाहती हूँ जो अभी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, जिनकी एक टाइम मैं भी उसी फेज से गुजर चुकी हूँ। मेरा हस्बैंड अभी भी आईएएस है, जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जॉब छोड़ने की फैसला किया। अच्छे काम के लिए अपने स्वार्थ को त्यागना, यही उनकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा बात है। वर्तमान में एक शिक्षा संस्थान के लिए यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू लेते हैं डॉक्टर तनु। 37 साल की उम्र में तनु एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ना मोटिवेशन होता है ना डीमोटिवेशन होता है, क्योंकि वो तो साइक्लिकल प्रोसेस है। एक दिन हमें उसके अलावा वे विभिन्न पत्रिकाओं में लिखती हैं। तनु के लिए एक संगठन है जो यूपीएससी परीक्षा की प्रिपरेशन करवाता है। इंस्टाग्राम में उनके फॉलोअर्स 690,000 पार हो चुकी है।